दर्शकों नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यदि सूर्य देव बैठेंगे तो इसका क्या फल होगा। सामान्यतः किसी भी ग्रह के किसी भी भाव में बैठने से दो फल होते हैं, चाहे तो वो ग्रह सकारात्मक फल करेगा या फिर नकारात्मक फल करेगा, चाहे तो वो ग्रह जातक को शुभ फल देगा या फिर वह जातक को अशुभ फल देगा। मैं सूर्य की सकारात्मक और नकारात्मकता दोनों विषय पर चर्चा करूंगा, जिसमें से प्रथम मैं चर्चा करूंगा सूर्य के सकारात्मक होने पर। जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है ये साहस पराक्रम मेहनत का है, छोटे भाई बहन का है, शरीर के अंगों में हाथ का गले का कान का है। वहीं रिश्ते के लिए छोटे भाई बहन का तो है ही, साथ में ये भतीजा और भतीजी का भी है। जो आपके भाई हैं चाहे बड़ा या छोटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी संतान, जो आपके भाई हैं उनकी संतान का ये विचार किया जाता है तीसरे भाव से। जब पॉजिटिव सूर्य जब सकारात्मक होकर तीसरे भाव में बैठेगा, बलवान स्थिति में मजबूत रहेगा, शुभ ग्रहों से दृष्ट रहेगा, शुभ ग्रहों से युक्त रहेगा, उस स्थिति में जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। जातक को छोटे भाई बहन से तो सहयोग मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही जातक के छोटे भाई बहन अथवा बड़े भाई बहन का जो संतान है वो भी उन्हें सपोर्ट करने वाले होंगे। सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। तो सूर्य यहाँ से देखेंगे भाग्य स्थान को, नवम भाव को। नवम भाव भाग्य का है, पिता का है। सूर्य पिता का कारक भी है और नवम भाव में सूर्य कारक भी हो जाता है। तो अपने कारक भाव को देखेगा तो पिता से भी सहयोग जातक को मिलेगा, साथ ही भाग्य भी उसका साथ देगा, क्योंकि जैसे ही मेहनत करेगा, साहस करेगा, पराक्रम करेगा तो भाग्य उसका साथ देगा, ये ऑटोमेटिक है। अब पूर्ण रूप से तो उसका भाग्य साथ देगा या नहीं देगा ये सूर्य की स्थिति पर निर्भर करती है कि सूर्य कितने बलवान स्थिति में है। छोटी मोटी यात्रा ये करवा सकता है, हम विदेश यात्रा नहीं कह सकते क्योंकि विदेश यात्रा के लिए अष्टम भाव और बारहवा भाव को भी देखना होता है, लेकिन केपी में 3, 9, 12 विदेश यात्रा के लिए देखते हैं तो 3 और 9 का तो कॉम्बिनेशन बन रहा है। तीसरे भाव में सूर्य बैठा है, वो देख रहा है नवम भाव को, तो 3, 9 का तो कॉम्बिनेशन ऐसे भी बन रहा है। तीसरे भाव में सूर्य मृत पीड़ित पापी ग्रहों से दृष्ट युत नीच राशि का शत्रु क्षेत्री का बैठेगा तो जातक का अपने छोटे भाई बहन से आजीवन संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। जातक जितना परोपकार कर दे, जितना उसकी भलाई कर दे अपने छोटे भाई बहन का, आजीवन उसके छोटे भाई बहन उसे तनिक किंचित मात्र भी महत्ता नहीं देंगे कि हाँ वो हमारे बड़े भाई हैं जिनके कारण आज हम यहाँ पर हैं, तनिक सा भी किंचित मात्र भी वो अपने जीवन में इस ख्याल को नहीं लाएंगे। जातक कर्म करता रहता है लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं दे पाता। आप 80% यदि मेहनत करते हैं तो 20-30 यानी 20-30% आपको मेहनत का फल मिलेगा। यदि यहाँ पर सूर्य बहुत बुरी स्थिति में बैठा हुआ हो तो जातक के छोटे भाई बहन तक भी नहीं होते हैं, सर्वप्रथम तो होते ही नहीं। अगर द्वितीय में यदि हो भी जाए तो कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद उनकी देहांत हो जाती है या किसी प्रकार की घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन छोटे भाई बहन से बिछुड़ने का योग जितना सूर्य नकारात्मक होकर बैठेगा उतना ही यहाँ पर निगेटिव प्रभाव देगा। दर्शकों ये था सूर्य का सामान्य सफल। आप इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, केवल मैं तीसरे भाव में सूर्य के बैठने का फल बताया हूँ, ना तो मैंने किसी राशि और किसी लग्न विशेष को ध्यान में रखकर ये फलादेश किया है कि सूर्य तीसरे भाव में बैठेगा तो क्या फल देगा। मैंने केवल तीसरे भाव में सूर्य बैठेगा तो क्या फल करेगा इसकी जानकारी दी है।